ओके गाइस, सो सिटिंग अरेंजमेंट पजल में से क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमएस लॉ सिटी 3 इयर्स के एग्जाम में, वो अपन आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ उतना ही करके जाओ. अभी मैंने एमसीए का एग्जाम लिखा था, एमबीए का भी एग्जाम लिखा था, और अभी आज बीएड सीटी का भी एग्जाम हुआ और 5 इयर्स का भी हुआ. जो अरेंजमेंट पजल का जो वेटेज है वो कम है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम, या तो फिर 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा. एंड डिफिकल्टी लेवल मतलब मॉडरेट लेवल की है, जो आपने लेक्चर्स में, क्लास में किया हुआ है, या लाइव क्लास में किया हुआ है, या तो आपने रिकॉर्डेड वीडियोस, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो और ब्लड रिलेशन, ये 4 वीडियो आपको डैशबोर्ड से देख लेने हैं मेन्यूअल के, अगर आप स्टूडेंट हो तो. ठीक है, या तो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो वाला प्रोग्राम है, तो उसमें से आपका लॉजिक में से ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन आ रहा है. अभी आज बीएड का एग्जाम था, वहां पे भी फैमिली ट्री वाला आया, उसकी भी एनालिसिस आ जाएगी, तो देख लेना कैसे क्वेश्चन आए थे. उसके बाद आपका लीनियर अरेंजमेंट, सिंगल रो, पैरेलल रो, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ साउथ, ठीक है, सर्कुलर में फेसिंग टू द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, ठीक है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि एक पर्सन है अलग सिटी में रहता है, अलग तरीके का ऑक्यूपेशन है उसका, और उसमें ब्लड रिलेशन ऐड कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. तो ब्लड रिलेशन आपके मेन्योर की बुक में से, ब्लड रिलेशन का आपको जो क्वेश्चन करना है, जो पजल टाइप का होगा वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 37 से चालू कर दो. आपके पास मेन्यूअल की बुक, ई बुक जो भी है, 37 से लेकर के अप टिल आपको 50 क्वेश्चंस, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हो सके तो फैमिली ट्री वाला जो सॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी करके खत्म करो. तो ये तो आपको एक ब्लड रिलेशन से करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. फिर आ जाओ सीटिंग अरेंजमेंट. सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अप टिल क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो. अपने पास अभी 5-6 दिन है, ठीक है, तो हो जाएगा प्रैक्टिस. एक दो बार कर लेना, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा. ओके, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट. एंड तीसरा जो टाइप है आपको, वो है आपका पजल. पजल में अगेन फर्स्ट से चालू कर देना है, फर्स्ट से लेके अप टिल पजल का जो लेवल है वो 54 तक ले लो आप, या 54 तक. तो 50-50, मतलब अराउंड 100 to 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. मैनुअल का जो वीडियो दिया हुआ है, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड रिलेशन, ये देखने हैं. और ये 3 टॉपिक, ब्लड रिलेशन, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और आपका पजल, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके बुक से, और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख लेने हैं. इतना काम अपने को पजल से कर लेना है. अगर इतना आप कर लेते हो, दो बार सारे क्वेश्चन कवर अगर आप कर लेते हो, तो मतलब अपना पजल में नैया पार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बेसिकली इस साल जो मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल रीजनिंग से आ रहे हैं. लाइक आपका टॉपिक हो गया अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कंटिन्यूअस पैटर्न वाला सीरीज भी एक बार कर लेना, जैसे ए डैश डैश बी 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 फिर ए डैश, तो ये टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं. तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू कर लेना. एनालॉजी वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक भी कर लेना. बाकी पजल में इतना टफ लेवल का पजल तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा. तो जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से कर डालो, दैट सॉल्व, अपनी नैया पार हो जाएगी, अपना स्कोर बन जाएगा यहाँ पे. और लॉजिक में आप ये मान के चलो, मुझे फुल स्कोर लेके आना है, 30 में से 30 मार्क्स में लेके आऊंगा, ये एटीट्यूड आपका इस साल के सीटी में होना चाहिए. बिकॉज एवरीथिंग आई हैव डिस्कस कि किस टाइप का पेपर आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में. अब इतना सब करने के बाद भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो भाई गलती आपकी है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या तो फिर नहीं करना. ठीक है, इफ यू वांट टू रियली एंड अप विद दी जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे कॉलेज, तो जो पजल को लेके जो हर साल फियर फोबिया रहता है लोगों में, वो भी इस बार खत्म है. इस बार वो ये भी टेंशन नहीं है आपको पजल्स को लेके. बाकी जीके पे वर्कआउट करो, मॉक लिखो रिग्रेसली, और पजल पे हंट करो. डेली का 2 आरसी कम से कम प्रैक्टिस करना चालू करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है. मतलब पजल और आरसीए ज्यादा, इसको ज्यादा ट्रिगर करो, जितना प्रैक्टिस करके रखोगे उतना बेटर है, अभी तो राइट टाइम है हिट करने का. बाकी जीके मॉक लिख के उसका रिवीजन, सारे मॉक वगैरह का प्रोग्राम का लिंक, जीके का लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो आई वॉन्ट इस साल के सीटी में जितने लोगों ने भी वीडियो देख रहे हो, 130+ लेके जाओ आप, या तो सीटी में टॉप मारूंगा तो 130+, 120 का भी टारगेट अभी अपन सरपास कर देते हैं, 130+ लेके आएंगे एग्जाम में फॉर श्योर. तो प्रिपेयर करो, मेहनत करो, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करो, 5-6 दिन और बचा हुआ है, एंड डेफिनेटली वी विल बी क्रैकिंग सीटी विद द गुड स्कोर. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.